तो फाइनली हमारी ट्रेन आ गई है और मेरा जो बॉगी है वो A137 सेकेंड AC है। हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अखिलेश और आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो फाइनली आज मैं जा रहा हूँ घर, सारा सामान मैंने पैक कर लिया है, जो भी बड़ा सामान था उसे मैंने एडजस्ट करवा दिया जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था। और अभी मैं आपको यहाँ का रूम दिखाता हूँ खाली करने के बाद कैसा लग रहा है, जब ऑफिस खुलेगा तो उसका फिर आ जाएंगे, क्योंकि मेरा मोस्टली सामान यहीं पे मैंने एडजस्ट करा दिया है, तो ऑफिस खुले बाद तो यहाँ ऑब्वियसली बात आना ही पड़ेगा। तो अभी आपको यहाँ का रूम दिखाते हैं, तो फिलहाल जो मेरा सामान है वो दिखाता हूँ आपको। ये है जाड़े का ये कंबल और मैंने अपना टीवी इसमें पैक करा लिया है और एक ट्रॉली यह है ये रहा और बाकी मेरा एक लैपटॉप का बैग ये रहा, ऑफिस वाला ये बैग रहा और ये मेरा पुराने लैपटॉप का बैग और ये कार्टन जो आप देख रही है इसमें जो भी थोड़ा बहुत बर्तन था थोड़ा बहुत और छोटा मोटा जो सामान था वो हमने ले लिया है। और रूम आपको दिखा देते हैं यहाँ से, और ये जो शीशा है ये मेरा वाला जो शीशा देख रहे हैं, ये शीशा लेके नहीं जा रहे, इसको यहीं पे लगा हुआ छोड़ दे रहे हैं। पीछे के रूम से दिखाता हूँ, ये रहा किचन, पूरी साफ सफाई करवा दी है इसकी और पूरा खाली देख सकते हैं। और किचन के जस्ट बगल में ये दूसरा वाला रूम, इसमें ऑलरेडी पहले से गोदरेज था, पंखा ऑलरेडी लगा हुआ था, ये स्पेस था इधर। और ये रहा यहाँ का पहले से रखा हुआ था रूम में, और इस गेट को यहाँ से लगाते हैं। पीछे किचन था ये पहला रूम, उसके बाद ये रहा इधर बाथरूम और ये रहा आगे वाला रूम। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे सारा सामान एडजस्ट कर लिया ले जाने के लिए। तो टोटल जो मेरा सामान है वो हो रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 सामान है। और इस रूम में जो बेड रखा हुआ था, बेड को अभी मैंने फिलहाल बालकनी में रख दिया है, अंधेरा होगा यहाँ पे, ये देख सकते हैं बेड को मैंने बालकनी में रखवा दिया है। तो अब हमारी तैयारी है जाने की, 8 बजे की ट्रेन है, सुबह 8:10 पर सारा सामान मैंने पैक कर लिया है, टिकट ऑलरेडी तो हमारा वैसे ही पहले से कंफर्म है, तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो 6 बजे के आसपास करेंगे ओला बुक और उससे जाएंगे आनंद विहार, और वैसे ट्रेन प्लेटफॉर्म पे 7:30 के आसपास आ जाती है, और चूंकि जैसे ही आएगी वैसे हमें अपना पूरा सामान एडजस्ट करना होगा। चूंकि सामान ज़्यादा है तो मेरे साथ आज जाएंगे एक अशोक भाई हैं सहरसा के, ये वो जाएंगे साथ में, जब मेरी ट्रेन आ जाएगी सामान एडजस्ट कर लूँगा तो फिर वापस आ जाएंगे, वो सहरसा के और यहीं पर रहते हैं। अभी 1 घंटे बाद उनको फ़ोन करेंगे, और अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है आपको सुबह के 4 बजने वाले हैं, तो 1 घंटे बाद उनको फ़ोन करूँगा और फिर वो आ जाएंगे, फिर यहाँ से ओला बुक करके निकलेंगे। तो इस वक्त हम आ चुके हैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे, और अभी ओला हमने करा था और ओला करके हम यहाँ पे पहुँच गए आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे, और मेरे साथ में जो आए हुए थे वो प्लेटफॉर्म पे ही हैं, सारा मेरा सामान लेते हैं अशोक भाई हमारे जो मेरे साथ आए हुए हैं हेल्प करने के लिए, क्योंकि सामान ज़्यादा था और अभी मेरे साथ ही खड़े हैं। और अभी हम लोग हैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे, सामान हमने प्लेटफॉर्म पे रख दिया है, वहाँ पे ऑलरेडी एक मेरा फ्रेंड बैठा हुआ है और अभी लोग बाहर आए हुए थे इनके लिए प्लेटफॉर्म टिकट लेने के लिए। ये है आनंद विहार टर्मिनल और इसका यहाँ पर नज़ारा देख लीजिए, ये पार्किंग एरिया है यहाँ का। और अभी जो हम लोग आए हैं उस वाले रास्ते से आए थे, और चूंकि ओला और जो भी टैक्सी होती है उनको अंदर आना अलाउड नहीं है, तो हमें उन्होंने आगे ही ड्रॉप कर दिया था, वहाँ से फिर हम सामान लेके ऊपर गए थे। इन लोगों के लिए हमने प्लेटफॉर्म टिकट ले लिया है और अब चलते हैं प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे कि मेरा सामान रखा हुआ है। अभी हम सामान ले गए थे अपना AC होके, सारा सामान लेके गए थे। हमारी जो ट्रेन आने वाली है वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही आएगी, और ये सामने रहा प्लेटफॉर्म नंबर 1, और यहीं पे सीमांचल एक्सप्रेस आएगी। और ये सारा यहाँ का एरिया है देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पे इतनी गर्मी में बेचारे जाने वाले यात्री लोग कैसे बैठे हुए हैं। तो ये रहा प्लेटफॉर्म नंबर 1,
में से काफ़ी बिफोर आ चुके हैं। अभी कितना टाइम है? अभी मेरे सुबह के 5:42 और ट्रेन का जो टाइम है वो 8:10। तो अभी हमें करना पड़ेगा इंतज़ार, तो यहीं पे बैठे हुए हैं, वेट करते हैं ट्रेन आने का। जैसे ट्रेन आएगी सामान रेस्ट करेंगे, फिर रिलैक्स हो जाएंगे। फाइनली हमारी ट्रेन आ गई है और मेरा जो बॉगी है वो A137 सेकेंड AC है। तो चलते हैं अपने बॉगी की तरफ। भीड़ देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। फाइनली हमारी ट्रेन पहुंच गई थी, 9 बजे हम अररिया पहुंच गए थे और घर से मैंने भाई को बुला लिया था, सामान क्योंकि ज़्यादा था। अभी बाइक से जा रहा हूं घर और भाई सामान लेके गाड़ी से जा चुका है। तो चलते हैं घर और अभी दिखाते हैं अभी मैं हूं कहां पे। अभी मैं रानीगंज पहुंचने वाला हूं और रानीगंज से बस 1 ही किलोमीटर पीछे हूं और यहां से फिर जाएंगे घर। आप ये देखिए बाइक यहां पे और ये जो रास्ता है ये इधर अररिया और इधर रानीगंज। चलते हैं घर, चलते हैं और मिलते हैं आपसे घर पर।